स्लो मोशन में विदाउट एनी इफेक्ट, तो ऐसे ही भाग सकती हूँ ना मैं, लेकिन यू गेट द पॉइंट। ना लीजिए, किसी ने प्राची की गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है, साथ में खुशी भी बैठी है, जरूर ये महिका का ही काम होगा। लेकिन चिंता मत कीजिए ना, रणबीर बाबू आ ही गए हैं। प्राची को रास्ते से मिहिका हटाना चाहती है। रणबीर के प्यार में वो इस कदर पागल हो गई है कि रास्ते में जो भी उसके रोड़ा बनेगा वो किसी को नहीं छोड़ेगी। इसका जीता जागता नमूना आपके सामने है कि कैसे मिहिका ने प्राची की गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था। प्राची संभल के, क्या हुआ? तुम ठीक हो? प्राची मुझे ना मेरा परिवार चाहिए, और मैं अपना परिवार लेके रहूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी फैमिली को भी सिर्फ तुम चाहिए रणबीर, सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। प्राची मरते मरते बची है, भला हो रणबीर का जो मौके पे पहुंच गया और उसने प्राची की जान बचा ली। फिलहाल प्राची अस्पताल में है। अब अक्षय को मिहिका की इस हरकत के बारे में पता चल गया। वो मिहिका पर गुस्सा भी है, लेकिन क्या करे, वो है तो अक्षय की बहन ना। मिहिका की गलती है, जो अक्षय को पता चलता है कि उसने ऐसा कुछ किया है, तो बेसिकली मिहिका क्या करती है, आउट ऑफ एंगर प्राची की गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर देती। तो अक्षय से कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जेन्युइनली बहुत प्यार करता है वो प्राची से, और वो फिर मिहिका को बहुत मतलब उसे मारता है, एंड देन उसे वो लॉक करता है कि तूने बहुत गलत किया एंड ऑल ऑफ दैट। सो देन बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहाँ रणबीर आता है और रणबीर प्राची को बचा लेता है। एंड दैट्स व्हेन आई गेट टू नो कि रणबीर से मैं बात करता हूँ, और वो मुझे बोलता है कि प्राची का एक्सीडेंट हो गया और वो वहाँ पर है हॉस्पिटल में। अब जब अक्षय अस्पताल में आया तो उसे गुस्सा भी आया और जलन भी हो रही है, क्योंकि उसकी आँखों ने जो नजारा देखा वो था ही कुछ ऐसा। प्राची और रणबीर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उनके बीच एक बार फिर से प्यार हो रहा है। ये अक्षय देख नहीं पाएगा, इसीलिए वो अब कुछ ऐसा जरूर करेगा जिसके चलते रणबीर रास्ते से हट जाए। आई थिंक मैं बहुत कुछ प्लान करता हूँ, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। सो आई थिंक अभी फिर से ये जो ब्रेक फेल हुई है गाड़ी की, हो सकता है कि अक्षय जो है ये ब्लेम रणबीर पर डाल दे और फिर उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़े एंड ऑल ऑफ दैट। So, हो सकता है पुलिस स्टेशन हम आते जाते रहते हैं, हफ्ते में 2-3 बार तो हो ही जाता है। फिलहाल अस्पताल में ही रणबीर और अक्षय, इन दोनों के बीच झड़प हो गई है। वैसे इन दोनों के बीच झड़प होना कोई नई बात तो है नहीं, तो लो इस बार भी हो गई है। अब हम अपनी हर स्टोरी में ये कह रहे हैं कि कुमकुम भाग्य अपने आने वाले लीप की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के महीने में ही लीप में आए हुए नए किरदार के दर्शन हो जाएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।